ओम शांति। परम पिता परमात्मा द्वारा अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। उन अष्ट शक्तियों में कल हमने देखा था कि परखने की शक्ति, बाबा का ज्ञान जैसे जैसे हमें मिलता जाता है, हमारे पास परखने की शक्ति बढ़ती जाती है। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, और जैसे जैसे हमें वो समझ मिलती जाती है तो दूसरी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती है, निर्णय करने। जब पता लग गया कि ये राइट है ये रोंग है, फिर हमारा फैसला ऑटोमेटिक राइट की तरफ होगा। समझ मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है, तो समझ में आ गया और निर्णय हो गया मैं इस देह की मालिक आत्मा। जैसे जैसे ज्ञान के पॉइंट्स मिलते गए और हम आत्मा की निर्णय करने की शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। क्या करना है और क्या नहीं, द्वंद्व खत्म होता चला जाता है। ये करूं कि ये करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, पता लग गया कि सर्वोच्च पिता परमात्मा एक ही है, वो दूसरा हो नहीं सकता, उससे अच्छा गाइड और कोई हो नहीं सकता। उतनी संपूर्णता से, उतना अधिकार से सत्य मार्ग कोई दिखा नहीं सकता। ये बात बुद्धि ने एक्सेप्ट कर ली, निर्णय कर दिया, और बुद्धि का निर्णय संस्कार बन जाता। जब वो संसार संस्कार बन जाता है तो हमारे हर कार्य उसी अनुसार होने लगते, फिर हर प्रश्न का उत्तर किससे लेना है, फाइनल निर्णय परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है। परमात्मा का डायरेक्शन ये है, ये करना है, बस। परमात्म डायरेक्शन पर चलने पर गलती हो ही नहीं सकती। निर्णय अटल, निर्णय में गलती नहीं, जीवन में असफलता नहीं, सफलता ही सफलता, खुशी ही खुशी, उमंग उत्साह आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे सफलता मिलती जाएगी, उमंग उत्साह और आगे बढ़ता जाएगा। परखने की शक्ति में ज्ञान का महत्व बहुत है। एक भी ज्ञान का डाउट, शंका परखने की शक्ति को कमजोर कर देगा। परखने की शक्ति कमजोर हुई तो निर्णय करने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। कोई प्रश्न
आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सीनियर भाई बहनों से पूछें, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो बाबा से पूछें। उत्तर उतना जल्दी मिलेगा, उतना स्पष्ट मिलेगा, जितना आपको उसकी जिज्ञासा होगी, और बाबा सारे उत्तर देते हैं तो मुरली से देते हैं। तब तक मुरली ध्यान से एक लाइन और लाइन के अंदर बाबा कह क्या रहा है उसकी गहराई जानने का प्रयास करें। प्रश्न को अपने सामने रखें, उत्तर मिलेगा। जितनी एकाग्रता से आप पढ़ेंगे, जितना विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे, ये भगवान कह रहा है, ये स्वयं परम पिता परम आत्मा परम धाम से आकर बता रहा है। जितना दृढ़ निश्चय होगा उतना क्लियर होगा, उतना जजमेंट पावर अच्छी होगी। मिस्टेक आएगा नहीं, डाउट आएगा ही नहीं, वेवरिंग आएगी नहीं, आएगी नहीं। जिसे बाबा कहते हैं विकल्प, जो बाबा ने कहा वही करना है, विकल्प आएगा ही नहीं। तब निर्णय करने की शक्ति राइट होगी। आएगा ही तब जब बाबा की डायरेक्शन में अपनी या किसी और की मत को मिक्स करेंगे। तो दूसरी शक्ति आपको कैसे मिलेगी? निश्चय हो कि परम पिता परम आत्मा आकर समझा रहे हैं, उनसे अच्छा गाइड और कोई हो नहीं सकता, उससे अच्छा वेल विश मेरे लिए और कोई हो नहीं सकता। ये बात बार बार अपने आप को बैठ कर समझाना है, घुट घुट कर। किसी दूसरे की तरफ संकल्प कि उससे पूछ ले, भाई बहनों की भी तरफ तभी जाओ जब बाबा से आपको उत्तर ना मिले। आप उत्तर लेने में असमर्थ हो रहे हो, निर्णय करने की शक्ति
उतनी बेस्ट होगी जितनी बेस्ट बाबा की नॉलेज स्पष्ट होगी, बाबा का ज्ञान स्पष्ट। और अच्छी तरह समझना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे। यदि आपको कोई प्रश्न उठ रहा है तो अवश्य व्हाट्सएप करेंगे 9213106986। ओम शांति।